हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज बच्चों हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रीलिमिनरी। इस लेक्चर को देखने से पहले अगर आपने हमारा इंट्रो वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि इस फास्ट्रैक बैच का पैटर्न क्या होने वाला है, गुरप्रीत सर कैसे पढ़ाने वाले हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, गुरप्रीत सर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको कौन सा कंटेंट कहां पर प्रोवाइड किया जाएगा, एमसीक्यू कहां प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको कहां मिलेगा, तो वो सारी चीजें मेरी बच्चा आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बारी लेक्चर्स को चालू करने से पहले छोटा सा इंट्रो वीडियो है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आप कोई भी चैप्टर पर अगर डायरेक्ट जंप कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, अगर आपको यही नहीं पता है कि मेथोडोलॉजी क्या होने वाली है टीचिंग की। ठीक है, फिर भी मैं एक छोटे से कुछ पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट यह है कि हम यहां पर बेटा नोट्स से पढ़ने वाले हैं आपको। जी हां, आपको क्या करना पड़ेगा, हर लेक्चर के बाद बैठकर अपनी एक हैंड रिटन नोटबुक बनानी होगी और उस हैंड रिटन नोटबुक में अपने नोट्स लिखने पड़ेंगे। सर नोट्स कहां से लिखने हैं बेटा, आपको एक पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, उस पीडीएफ में एकदम समरी और कंसाइज वे में सारे पॉइंटर्स लिखे होंगे, थोड़ी इजी लैंग्वेज में भी लिखे होंगे ताकि आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रह पाए। जैसे जैसे टॉपिक होता जाएगा आप अपनी हैंड रिटन नोटबुक से क्या करते रहेंगे, उसमें सारा का सारा कॉपी पेस्ट करते रहेंगे और फिर उसी से ही आपको रिवाइज करना है। तो आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, प्लस हमारा क्वेश्चन बैंक, प्लस हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, ये तीनों चीजें अगर हम अच्छे से कर लेंगे तो आपको कोई भी सीए इंटरमीडिएट के लॉ में एग्जम्पशन लाने से नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप जिंदगी में शॉर्टकट्स लेने की कोशिश करेंगे कि सर मैं नोट्स नहीं बनाता हूं, यही प्रिंट करा लेता हूं, या सर मैं कुछ सिलेक्टिव सेक्शन पढ़ लेता हूं, बाकी चैप्टर्स ऑप्शन में छोड़ देता हूं, तो वहां पर बेटा आप मिस्टेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। लेक्चर नंबर वन है बच्चों हमारा आज। हाँ सर, यहां पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंपनी के फीचर से। वैसे तो कंपनी के फीचर्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक बेसिक बैकग्राउंड आपके पास होना चाहिए ताकि आपको आगे की जो मैं चीजें समझाने वाला हूं वो आसानी से समझ आए। सबसे पहला फीचर जो कंपनी का होता है वो होता है मेरे बच्चा सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे पहला फीचर जिसका दूसरा नाम हम कॉर्पोरेट व्हील भी कहते हैं, जिसको हम दूसरा नाम क्या बुलाते हैं बेटा, कॉर्पोरेट व्हील भी कहा जाता है। ये फीचर कंपनी का ये बताने की कोशिश करता है कि कंपनी लॉ की नजरों में एक सेपरेट लीगल पर्सन है, भले ही उसे जिस पर्सन ने भी बनाया हो। यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स एक अलग पर्सन है और कंपनी लॉ की नजरों में अलग पर्सन है। यानी अगर कल को कोई कंपनी एसेट खरीदती है, कोई कंपनी अगर कल को चल के कोई एसेट खरीदती है तो वो एसेट किसके नाम पर होगा, कंपनी के कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के, वो एसेट कंपनी के नाम पर ही होने वाला है। अगर कंपनी कोई लायबिलिटी इंकर करती है तो वो लायबिलिटी किसके नाम पर होगी, कंपनी या शेयर होल्डर्स के, कंपनी के नाम पर होगी, वो लायबिलिटी शेयर होल्डर्स के नाम पर नहीं होगी। अगर कल को कंपनी कोई गड़बड़ कर देती है तो जो कोर्ट में केस फाइल होगा वो किसके अगेंस्ट होगा, कंपनी के कि शेयर होल्डर्स के, कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया जाएगा। यही फीचर की बात, मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट आता है बेटा परपेचुअल सक्सेशन। देखो कंपनी बनाने का एक प्रोसीजर होता है जो लॉ में आपको दिया हुआ, जो हमारे सिलेबस में भी हम पढ़ेंगे, सेक्शन 3 पढ़ेंगे इससे रिलेटेड और सेक्शन 7 पढ़ेंगे। वो कहता है कि कंपनी बनाने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। कंपनी जब एक बारी बन जाएगी और आप उस कंपनी को खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है वाइंडिंग अप का। उस लीगल प्रोसीजर को बोला जाता है वाइंडिंग अप। तो कंपनी बनाने के लिए लॉ का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और कंपनी को बंद करने के लिए भी लॉ का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो अगर एक कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, यानी अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ कोई भी घटना हो जाती है,
इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलती जाएगी। कब तक कंपनी जिंदा रहेगी, कब तक कंपनी चलती रहेगी बेटा? जब तक उसे वाइंडिंग अप नहीं कर दिया जाता, जब तक कंपनी को खत्म नहीं कर दिया जाता लॉ का प्रोसीजर फॉलो करके। नेक्स्ट आता है बेटा फीचर्स ऑफ कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी। बेटा लिमिटेड लायबिलिटी की यहां जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। यानी अगर कंपनी कोई भी लोन लेती है या कंपनी की कोई भी लायबिलिटी होती है तो उसके लिए कंपनी के तो सारे एसेट बेचे जा सकते हैं लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स के एसेट नहीं बेचे जाएंगे। सर मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, चुटकू सा एग्जांपल। मान लीजिए नितिन सर, ठीक है, एंड जसमीत सर दोनों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, दोनों मिलकर एक कंपनी बनाते हैं जिस कंपनी का नाम है रशियन साइकिल प्राइवेट लिमिटेड। जिस कंपनी का नाम क्या है बेटा? रशियन साइकिल प्राइवेट लिमिटेड है। यह कंपनी का क्या बिजनेस है बेटा? यह कंपनी बाहर से रशियन साइकिल, रशिया से क्या करती है? रशिया से साइकिल इंपोर्ट करती है, ठीक है, इंपोर्ट करती है और इंडिया में उसे रेंट पर देने का काम करती है। कितना रेंट लेती है? 6,000 रुपीज पर डे का रेंट। कितना रेंट? 6,000 रुपए पर डे। ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। वहीं पर बेटा गुरप्रीत सर को यह बिजनेस मॉडल पसंद आता है और वो एज अ इन्वेस्टमेंट कंपनी को 10 करोड़ रुपए का लोन दे देते हैं। किसको दे देते हैं? कंपनी को 10 करोड़ रुपए का लोन दे देते हैं। अब कंपनी को यह लोन बेटा इंटरेस्ट के साथ 3 साल बाद रिटर्न करना था। कितने साल बाद? 3 साल बाद रिटर्न करना था। 3 साल जब तक कंप्लीट हुए तो हमने देखा कि भैया कंपनी का जो बिजनेस है वो तहस नहस हो चुका है, कंपनी बहुत ज्यादा लॉसेस में ब्लीड कर रही है, बहुत ज्यादा कंपनी को लॉसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो गुरप्रीत सर ने क्या किया? गुरप्रीत सर ने कंपनी पर केस फाइल किया अपना पैसा रिकवर करने के लिए। और वो कंपनी से कितना पैसा रिकवर कर पाए बेटा? मात्र 2 करोड़ रुपए रिकवर कर पाए, मात्र 2 करोड़ रुपए। यानी लोन दिया था 10 करोड़ का, रिकवर हो पाया 2 करोड़, अब बचा 8 करोड़। और मुझे पता चला कि नितिन सर के पास और जसमीत सर के पास दोनों के खुद के पर्सनल एसेट 100 करोड़ रुपए के हैं। जसमीत सर के अपने पर्सनल एसेट 100 करोड़ के हैं और नितिन सर के अपने पर्सनल एसेट 100 करोड़ रुपए के हैं। तो गुरप्रीत सर इन पर केस फाइल करके अपने बचे हुए 8 करोड़ रुपए रिकवर करना चाहते हैं। सवाल यह आता है कि क्या गुरप्रीत सर, जसमीत सर और नितिन सर जो कंपनी के मेंबर्स, जो कि कंपनी के शेयर होल्डर हैं, क्या उनसे पैसा रिकवर कर सकते हैं? सो द आंसर यहां पर आएगा कि अगर यह कंपनी, क्योंकि यहां पर लिमिटेड लिखा हुआ है, यानी इस कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या थी? लिमिटेड थी। और इसीलिए उनसे बेटा सिर्फ कितना पैसा मंगाया जा सकता है? जितने के शेयर्स उतने उन्होंने खरीदे थे, अगर उस पर कोई बकाया पैसा था उतना पैसा तो मंगाया जा सकता था, लेकिन उसके अलावा जसमीत सर के और नितिन सर के पर्सनल एसेट को बेटा हाथ नहीं लगा सकते। और इसी फीचर को बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल। ज्यूरिडिशियल की जगह आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या लिख सकते हैं बेटा? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन आप लिख सकते हैं। हम कंपनी को आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी का जो बर्थ होता है वो नेचुरली बर्थ नहीं होता। जैसे ह्यूमंस का बर्थ नेचुरल होता है, एनिमल्स का बर्थ नेचुरल होता है, कंपनी का जो बर्थ होता है
वो अदर देन नेचुरल प्रोसेस से होता है। नेक्स्ट, हम इसे लीगल क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी का जो जन्म होता है बिकॉज ऑफ लॉ होता है, बिकॉज ऑफ लीगल, बिकॉज ऑफ लॉ होता है, इसीलिए लीगल कहते हैं। और सर हम कंपनी को पर्सन का दर्जा क्यों देते हैं? क्योंकि बेटा कंपनी के पास नॉर्मली वो सारे राइट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के पास है। यानी अगर कंपनी चाहे तो अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, अगर कंपनी चाहे तो अपने नाम पर बैंक अकाउंट खोल सकती है, कंपनी अगर चाहे तो अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी अगर चाहे तो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अगर चाहे तो बाकी लोगों को स्यू कर सकती है, बाकी लोग अगर चाहे तो कंपनी को स्यू कर सकते हैं। स्यू का मतलब होता है केस फाइल करना, ठीक है। तो जो राइट्स एक इंडिविजुअल के पास होते हैं वही सेम चीजें कंपनी के पास भी होती हैं, लेकिन आपको यह बात का ध्यान रखना है कि कुछ पर्सनल तरह की चीजें कंपनी नहीं कर सकती। जैसे कंपनी शादी नहीं कर सकती, और शादी नहीं कर सकती तो कंपनी डाइवोर्स नहीं कर सकती, कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता क्योंकि कंपनी इंटेंजिबल होती है। तो नॉर्मली जिस इंसान की गलती होती है, जैसे अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गलती है तो उन्हें जेल भेजा जाता है। ओके सर, लास्ट फीचर आता है बेटा कॉमन सील। लास्ट फीचर कौन सा आता है? कॉमन सील। अगर कंपनी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है तो डॉक्यूमेंट पे करने होते हैं सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट पे क्या करने होते हैं मेरे बच्चा? सिग्नेचर करने होते हैं। अब कंपनी का कोई हाथ तो होता नहीं है जो कंपनी साइन कर सके, इसीलिए कॉमन सील एक स्टैंप तरह की चीज बनाई जाती है जिससे कि कंपनी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे लगाया जाए। और कॉमन सील एक्ट करता है कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह। कॉमन सील एक्ट करता है कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर की तरह, ठीक है। ओके सर, अब यहां पर अगर मैं बात करता हूं ऑफिशियल सिग्नेचर, लेकिन कुछ समय पहले, कुछ साल पहले कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट आई थी, और उस चेंज से आज की तारीख में बेटा कॉमन सील को कर दिया गया है ऑप्शनल। यानी अगर कंपनी चाहे तो ऑप्ट कर सकती है कॉमन सील को, और अगर कंपनी चाहे तो वो कहे कि मुझे कॉमन सील की जरूरत नहीं है। अब आपका ये क्वेश्चन आएगा कि सर अगर कॉमन सील नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट पर कौन सिग्नेचर करेगा? उन डॉक्यूमेंट्स पर जिस पर कंपनी की कॉमन सील की रिक्वायरमेंट थी। तो मेरे बच्चा उस केस में ना, उस केस में बेटा जो साइन होंगे वो कंपनी के दो डायरेक्टर करेंगे। अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करा हुआ है तो कंपनी का एक डायरेक्टर और कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देगा। तो हम मान लेंगे कि इट इज एज गुड एज कि उस डॉक्यूमेंट पर क्या लगी हुई है, कंपनी की कॉमन सील लगी हुई है। तो ये हमारे बेटा बेसिक फीचर्स हैं। एग्जाम में आने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, बट ये आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए थी बिफोर आई स्टार्ट दी चैप्टर। तो यहां पर हमने फीचर्स ऑफ कंपनी पढ़े, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। चैप्टर नंबर वन में बेटा हम कितने सेक्शंस पढ़ने वाले हैं? हम दो सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर वन पढ़ेंगे बेटा शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी का। ओके सर, और सेक्शन टू पढ़ेंगे बेटा हम कंपनीज एक्ट में दी हुई डेफिनेशन का। क्या एग्जाम के लिए हमें सारी डेफिनेशंस पढ़नी है? द आंसर इज नो। जितनी डेफिनेशंस मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा और जितनी डेफिनेशन मैंने आपके नोट्स में डाली हुई है, बस वो डेफिनेशन आपको पढ़नी है, एग्जाम में वही पूछी जाएंगी। कुछ डेफिनेशंस और होंगी जो एग्जाम में आ सकती हैं, वो हम आगे के चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वहां पर बेटा वो डेफिनेशंस कवर हो जाएंगी। सबसे पहले सेक्शन वन स्टार्ट करने से पहले हम एक डेफिनेशंस कुछ पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको पता होनी चाहिए। दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए। पहली डेफिनेशन है बेटा कंपनी की, और दूसरी डेफिनेशन है बेटा कौन सी, बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते हैं या हम इसे कॉर्पोरेशन भी कहते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस।
सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं, सेक्शन टू क्लॉज 20, सेक्शन टू क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन बोली गई है, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब क्या है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। दिस एक्ट का मतलब यहां पर क्या है? कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब है इंडिया में अगर कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कोई भी कंपनी से रिलेटेड लॉ था उसकी बात यहां पर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 1956, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 1956, यानी आप जो एक्ट पढ़ रहे हैं उससे पहले भी एक एक्ट हुआ करता था कंपनीज एक्ट 1956, बल्कि उससे भी पहले एक एक्ट हुआ करता था। ठीक है, ओके सर। सर एकदम मजा ही नहीं आया, क्या बताया आपने? कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे चलेंगे, डोंट वरी। कुछ एग्जाम्पल लेने दो मुझे, ठीक है? नेम आपको बताना है कि ये कंपनी है या नहीं है, आपको बस इतना बताना है कि ये कंपनी है या नहीं है, ये कंपनी है या नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, क्या मैं इसे कंपनी मानूंगा या नहीं मानूंगा। सबसे पहला फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुई है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। सेकंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर कंपनीज एक्ट 1956। थर्ड Amazon Inc. USA, Amazon Inc. USA जो इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर USA कंपनी लॉ, USA में जो भी कंपनी लॉ होगा उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुआ है। फोर्थ, मेरे बच्चा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर LIC एक्ट, तो जल्दी से मुझे आंसर देकर बताइए क्या कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में, कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन दी हुई है कंपनी की, उस डेफिनेशन को पढ़कर आपको कौन कौन सा केस लग रहा है कि हम उसे कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो ध्यान से समझिएगा बेटा मेरे बच्चा, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड कहां इनकॉर्पोरेट हुआ है, क्या कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ है? द आंसर इज यस। तो ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो हम इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी का दर्जा देंगे। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो बनी है कंपनीज एक्ट 1956 यानी प्रीवियस कंपनी लॉ में, डेफिनेशन में भी बोला है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी इसको भी हम कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी का दर्जा देंगे, नेक्स्ट आता है बेटा Amazon Inc. USA, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है कहां पर? USA का कंपनी लॉ, ना इंडिया का कोई भी कंपनीज एक्ट नहीं, USA के कंपनी लॉ में रजिस्टर हुआ है, क्या इसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो मेरे बच्चा द आंसर इज नो,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसिएशन है कि अगर आप, वैसे वो कंपनी है, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, आप उसे कंपनी कहोगे, नॉर्मल कोई भी पूछेगा अमेज़न कंपनी है कि नहीं, आप यही कहोगे कि कंपनी है। बट अगर आपसे कोई पूछेगा कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर अमेज़न यूएसए में बनी गई कंपनी को कंपनी बोला गया है, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन में फॉल नहीं करता, वो डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। फिर सर इसको क्या नाम देंगे? बेटा इसको हम नाम देते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसे कंपनी नहीं कहते, इसका पूरा नाम हम क्या लेंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसको क्या नाम से बुलाएंगे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है। इसका एक चैप्टर भी हम पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर नया सिलेबस में ऐड हुआ, एकदम डिटेल में हम वो चैप्टर पढ़ेंगे जैसे हम रेगुलर क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने वो चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, वो वाले हम एकदम डिटेल में घुस घुस के पढ़ेंगे। बट यहां पे हम क्या करेंगे, हमारा मेन फोकस रहेगा कि हमें एग्जाम में 60 प्लस कैसे लाने, कंटेंट कम टाइम में कवर करेंगे और प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट आता है मेरे बच्चा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। कौन से एक्ट के अंदर बनी है? LIC का खुद का एक एक्ट है, उसके अंदर इसे बनाया गया है। क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या 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 ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसे कंपनी का दर्जा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो प्लीज ध्यान से सुनना, हम LIC को भी कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी नहीं मानते। ओ, यानी लेमेन लैंग्वेज में तो आप कह सकते हो कि LIC एक कंपनी है जिसका धंधा इंश्योरेंस का है, बट कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन की वजह से ये कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती, और इसीलिए हम इसे कंपनी का दर्जा नहीं देंगे। सर फिर हम इसे क्या कहेंगे? बेटा इसे तुम बोलोगे बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोलोगे? बॉडी कॉर्पोरेट। सर बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बेटा बॉडी कॉर्पोरेट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो आपको फील नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा। पहले एक लेमेन लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है, प्लीज ध्यान से सुनना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी जिसकी परपेचुअल सक्सेशन है, और जो लॉ की नजरों में क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। अरे सर कंपनी में भी तो आपने यही फीचर्स बताए थे, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। हां बेटा यही बताए थे, बिकॉज कंपनी एक टाइप की बॉडी कॉर्पोरेट है, इसीलिए कंपनी के पास बॉडी कॉर्पोरेट के सारे फीचर्स इसीलिए हैं, क्योंकि कंपनी इज अ टाइप ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अगर मैं यहां पर बात करूं फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड, क्या यह सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस। क्या इसकी परपेचुअल सक्सेशन है? यस। क्या इसकी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? यस। तो क्या मैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकता हूं? द आंसर इज यस। ये कंपनी भी है, ये बॉडी कॉर्पोरेट भी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीज एक्ट कंपनीज 2013 के अंदर बनी है, क्या मैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकता हूं? द अगेन आंसर इज यस, क्योंकि इसके पास वो सारी चीजें हैं। थर्ड Amazon Inc. USA, थर्ड मेरे बच्चा Amazon Inc. क्या ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? है। क्या ये परपेचुअल सक्सेशन है? क्या ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? है। और अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ते हो, तो वहां पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। यानी अगर कोई भी कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, तो उसे तो हम क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे ही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को भी हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं? बिल्कुल। क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेपरेट लीगल एंटिटी है लॉ की नजरों में? यस। क्या उसकी परपेचुअल सक्सेशन है? यस। क्या वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? यस। और अगर आप LIC एक्ट खोलकर देखोगे ना, LIC एक्ट में भी
क्लियरली मेंशन है कि एलआईसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलआईसी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सर थोड़े से और एग्जांपल दे दो सर, थोड़े से चलो तुम्हारे लिए मैं दो तीन एग्जांपल और लूंगा, 5, 6, 7 इससे ज्यादा तुम्हें एग्जांपल्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें समझ आ गया है तो मैं किस दिशा में तुम्हें ले जाना चाह रहा हूं। सबसे पहला मैं बताना चाहता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, है कि नहीं? यस सर। जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर SBI एक्ट। कौन से एक्ट के अंदर बना है बेटा? SBI एक्ट के अंदर बना है। आप मुझे बताइए क्या मैं इसे कंपनी बुलाऊंगा कि नहीं बुलाऊंगा कंपनीज एक्ट में, और क्या मैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट बुला सकता हूं? तो बेटा अगर मैं बात करता हूं कंपनी की, तो क्या SBI कंपनीज एक्ट के अंदर बना है या किसी पुराने कंपनीज एक्ट के अंदर बना है? द आंसर इज नो। SBI का तो खुद का एक्ट है और वो उस एक्ट के अंदर बना है, वो उस एक्ट के अंदर बना है, तो यहां पर मैं इसे कंपनी का दर्जा नहीं दे सकता। बट क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है? लॉ से ही तो बना है, वो भी लॉ से ही बना है, सालों से चलता आ रहा है, उसके मेंबर्स चेंज हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परपेचुअल सक्सेशन है। क्या मैं SBI को बॉडी कॉर्पोरेट कह सकता हूं क्या? द आंसर इज यस, मैं उसे बॉडी कॉर्पोरेट कह सकता हूं। नेक्स्ट आता है, एक और एग्जांपल लेते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है अंडर, कोटक महिंद्रा बैंक कहां इनकॉर्पोरेट हुआ है? अंडर कंपनीज एक्ट 1956, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुआ है। आप बताइए क्या मैं इसे कंपनी का दर्जा दे सकता हूं? तो आपको पूछना है क्या ये कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस कंपनी लॉ में बना है? तो आपको आंसर मिलेगा कि हां सर, ये तो प्रीवियस कंपनी लॉ में बना है, तो हम इसे कंपनी कहेंगे। और क्या सारी कंपनियां ही बॉडी कॉर्पोरेट होती है? द आंसर इज यस। तो मैंने इसको बॉडी कॉर्पोरेट पे भी क्या कर दिया? टिक कर दिया। अब आपको रात को नींद नहीं आएगी, सर क्यों नहीं आएगी? आप कह रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी बैंकिंग का बिजनेस करता है और कोटक भी बैंकिंग का बिजनेस करता है, दोनों बॉडी कॉर्पोरेट तो हैं, लेकिन कंपनी क्यों नहीं है? सर बेटा SBI बना है SBI एक्ट के अंदर, इसीलिए वो कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन को पास नहीं कर पाया। कोटक बैंक जो बना है वो कंपनीज एक्ट 1956 का प्रोसीजर, कंपनीज एक्ट 1956 में जो भी प्रोसीजर मेंशन था कंपनी बनाने के लिए, वो प्रोसीजर फॉलो करके इसे बनाया गया है, इसीलिए हमने इसे कंपनी का दर्जा दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए XYZ LLP जो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर LLP एक्ट 2008, ठीक है, XYZ LLP जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है कौन सी? अंडर LLP एक्ट 2008। आप मुझे बताइए क्या मैं इसे कंपनी कह सकता हूं? नहीं, ये क्या है? LLP है। और क्या ये कंपनी एक्ट 2013 में बनी है? नहीं। क्या ये कंपनी एक्ट 1956 में बनी है? नहीं। ये कौन से एक्ट में बनी है? LLP एक्ट 2008 में बनी है। और बॉडी कॉर्पोरेट कह सकता हूं क्या? बिल्कुल, क्योंकि LLP की क्या परपेचुअल सक्सेशन होती है? होती है। क्या कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, क्या LLP आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है? होती है। तो वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो हम LLP को क्या मानेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे। सर एक ऐसा एग्जांपल दो ना जो ना तो कंपनी है ना तो बॉडी कॉर्पोरेट है। यार तुम लोग मानोगे नहीं, तुम लोग ना मानते नहीं हो, है ना? चलो 8th, ABC फार्म एंड को जो कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, जो कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है,
आप बताओ क्या मैं इसे कंपनी मानूंगा कंपनीज एक्ट में? द आंसर इज नो, क्योंकि ना तो ये कंपनीज एक्ट में बना है, ना तो ये करंट कंपनीज एक्ट में बना है, ना ही ये पुराने इंडिया के किसी कंपनीज एक्ट में बना है। क्या मैं इसे बॉडी कॉर्पोरेट मांग सकता हूं क्या? तो ध्यान रखना बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के केस में पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा नहीं दिया जाता, और क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट बनने के लिए आपके पास सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए, है ना, तो इस केस में बेटा ये बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, ना तो ये कंपनी है और ना ही ये बॉडी कॉर्पोरेट है। आपने एक एग्जांपल मांगा था कि सर वो वाला एग्जांपल दे दो जिसमें दोनों ना हो, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पर। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर बनी है, अगर कोई कंपनी इंडिया के बाहर बनी है तो हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे, बट इट डज नॉट इंक्लूड, इन दो चीजों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस पॉइंट को कि कौन सी दो चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आती। पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो कि रजिस्टर्ड हो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर, अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, तो उस केस में आप ध्यान से सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास सेपरेट लीगल एंटिटी भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास परपेचुअल सक्सेशन भी होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन भी होती है, बट फिर भी इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम तुम्हें कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इस चीज का दर्जा नहीं दे रहे, हम तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं देने वाले हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, नाइन्थ, श्री कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। आपको बताना है क्या ये कंपनी है? द आंसर इज नो, क्योंकि ना तो ये कंपनी 2013 में बनी है, ना ही प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में क्लियरली मेंशन है कि अगर तुम्हें कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है, हम तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा नहीं दे रहे हैं। और लास्ट पॉइंट बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफिकेशन निकालकर किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को यह कह सकती है कि हम इसे आज से बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेटे में यह नोटिफिकेशन निकाल दिया कि Amazon Inc. USA From today onwards, Amazon Inc. USA will not be considered a body corporate. तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली मेंशन कर दिया, फिर आप जानते हो नॉर्मली तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है, बट सीजी बोल रहा है हम नहीं मानेंगे, तो फिर हमें नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया सर? एक मैंने आपको कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई। कंपनी क्या होती है? कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी कोई भी कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पुराना जो कंपनी लॉ इंडिया में था, अगर आप उसमें रजिस्टर्ड हो तो हम तुम्हें कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी का दर्जा देंगे। और दूसरा मेरे बच्चा आता है बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा क्या आता है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर बने हो तो आप क्या माने जाओगे? बॉडी कॉर्पोरेट माने जाओगे, बट इट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी या एनी बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दो डेफिनेशंस आपकी बेसिक थी, जिसका कि पूरा बेस आपको पता होना चाहिए कि भैया ये ऐसे ऐसे आपको इंटरप्रेट करना है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं।
अब मैं वापस जाना चाहूंगा सेक्शन नंबर वन पे। सेक्शन नंबर वन आपको क्या बताता है? सेक्शन नंबर वन सबसे पहले आपको बताता है इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल। पर शॉर्ट टाइटल क्या होता है बेटा? शॉर्ट टाइटल का मतलब होता है उसका नाम। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आपका शॉर्ट टाइटल क्या है, तो मैं कहूंगा मेरा शॉर्ट टाइटल है गुरप्रीत सिंह। मेरा शॉर्ट टाइटल क्या है? गुरप्रीत सिंह। वैसे ही इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है बेटा? कंपनीज एक्ट 2013। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। सेकंड बात जो आपको सेक्शन वन बताता है वो बताता है एक्सटेंट। क्या बताता है? एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब ये लॉ कहां पर एप्लीकेबल होगा? इंडिया में एप्लीकेबल होगा या सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है या सिर्फ गोवा के लिए है? किस जगह पर ये एप्लीकेबल होगा? तो बेटा एक्सटेंट के केस में ये बताता है होल ऑफ इंडिया। क्या बताता है? होल ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट 2013 पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। तीसरा कमेंसमेंट, यानी ये एक्ट कौन सी तारीख से लागू होगा? कमेंसमेंट, ये एक्ट कौन सी तारीख से लागू होगा? तो बेटा सेक्शन वन ये बोलता है डेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो तारीख डिसाइड करेगी उस डेट से ये एक्ट फोर्स में आ जाएगा। क्या आपको ये पता है कि कंपनीज एक्ट के अंदर कितने सेक्शन है? नंबर तो काउंट करना मुश्किल है, बट उसका लास्ट सेक्शन जो है वो कौन सा है? 470 सेक्शन। अभी के लिए आप मान लो कि 470, लास्ट सेक्शन नंबर 470 है। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो पूरा कंपनीज एक्ट एक ही दिन पर लागू नहीं करेगी। लॉ ने उसे पावर दी है कि पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओ सेंट्रल गवर्नमेंट तुम अगर चाहो तो सेक्शन वन किसी और तारीख को ले आओ, सेक्शन टेन किसी और तारीख को ले आओ, सेक्शन ट्वेंटी किसी और तारीख को ले आओ। यानी डिफरेंट सेक्शंस जो हो सकते हैं एक्ट के वो डिफरेंट तारीखों पर नोटिफाई करे जा सकते हैं। यानी कंपनीज एक्ट एक दिन में पूरा लागू इंडिया में नहीं किया गया था, उसको मल्टीपल डेट्स में लागू किया गया है। उसे क्या किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे सेक्शंस को नोटिफाई करता गया वैसे वैसे वो क्या होते गए? लागू होते चले गए। ठीक है सर। और लास्ट आता है, हमने अभी पढ़ा कि कंपनीज एक्ट में 29 चैप्टर्स हैं, 470 के सेक्शंस हैं और इसमें दिए हुए हैं 7 शेड्यूल। अब अगर इतने सारे सेक्शन हैं तो क्वेश्चन ये आता है ये सेक्शंस किस किस पर लागू होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ये सेक्शन किस किस पर लागू होंगे? यानी एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कि ये लागू किस किस पर होंगे। तो यहीं पर बेटा एक सेकंड जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भैया कौन कौन सी एंटिटीज पर कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है। तो सिंपल एक एक पॉइंट पढ़ता जाऊंगा, ध्यान से समझना। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अगर कोई भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है तो उस पर यह एक्ट लागू किया जाएगा। एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा यहां पर? फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है तो उस पर यह एक्ट लागू किया जाएगा। यस सर। कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है प्रीवियस कंपनी लॉ में, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी तो कंपनीज एक्ट 1956 में थी, बट आज की तारीख में रिलायंस को कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करना है या कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना है? तो लॉ कहता है कि आज की तारीख में बेटा चाहे तुम पुराने कंपनीज एक्ट में बनी हो लेकिन फिर भी तुम पर जो लॉ लागू होगा वो कौन सा होगा?
कंपनीज एक्ट 2013 होगा। कंपनीज एक्ट बनी तुम 1956 में थी, बट क्योंकि हमने 1956 को हटा दिया और इसीलिए हमने पुरानी कंपनियों पर भी क्या लगा दिया बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 लगा दिया। यानी आज की तारीख में कोई भी पुरानी कंपनी, जैसे कि आईटीसी लिमिटेड, टाटा की जो कंपनी है, इंफोसिस है, ये सारी पुरानी कंपनियां आज की तारीख में क्या फॉलो करती है, कंपनीज एक्ट 1956 फॉलो करती है या कंपनीज एक्ट 2013? सर कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्या आता है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का मतलब समझिएगा, ऐसी कंपनी जो बनी तो कंपनीज एक्ट के अंदर है लेकिन कौन से बिजनेस कर रही है, इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, उस पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। लेकिन इंश्योरेंस जो कंपनियां होती है ना, इंश्योरेंस जो कंपनियां होती है ना बेटा, उन पर इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है, उन पर इरडा एक्ट भी लगता है, उन पर इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है, उन पर इरडा एक्ट, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी एक्ट लगता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर इस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, इस कंपनी के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट भी लग रहा है, इस कंपनी के ऊपर इरडा एक्ट भी लग रहा है, इन तीनों में लड़ाई हो जाती है, मान लो अगर कंपनीज एक्ट और इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन एक दूसरे से डिफरेंट बातें कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को कंपनीज एक्ट फॉलो करना है या इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है, तो बेटा ऐसी कंपनी को इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना है। नेक्स्ट आती है, सर एक एग्जांपल दे दीजिए यार, तुम ना हर चीज में एग्जांपल मांग लेते हो। सर पैसे दिए हमने, अरे यार ये तो बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा, चलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, और एक है एक्सा इंश्योरेंस लिमिटेड, एक है एक्सा इंश्योरेंस लिमिटेड। क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से पहले कंपनीज एक्ट किस पे लगेगा, तो बेटा देखो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस के बिजनेस में तो है लेकिन वो कंपनी नहीं है, और ये लॉ किसके लिए लाया गया है, इंश्योरेंस कंपनी के लिए। तो जब ये कंपनी ही नहीं है तो क्या ये इस पॉइंट में फॉल करेगी? द आंसर इज नो। तो इस पर तो कंपनीज एक्ट 2013 हमें लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर हमें कंपनीज एक्ट 2013 वैसे सेक्शन 1 की वजह से लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एक्सा इंश्योरेंस लिमिटेड की, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बनी है, तो क्या इस पर कंपनीज एक्ट लगेगा? हां। क्या इस पर कंपनीज एक्ट लगेगा? हां। क्या इस पर इंश्योरेंस एक्ट लगेगा? हां। क्या इस पर इरडा एक्ट लगेगा? हां। वो कह रहे हैं आपको तीनों एक्ट फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन अगर कहीं मान लो गलती से किसी भी रीजन की वजह से कंपनीज एक्ट 2013 और इंश्योरेंस एक्ट के प्रोविजन अलग अलग बातें कर रहे हैं, तो तुम फिर इंश्योरेंस एक्ट को फॉलो करना, या अगर कंपनीज एक्ट और इरडा एक्ट में इरडा एक्ट अलग अलग बात कर रहा है तो तुम किसको फॉलो करना, इरडा एक्ट को फॉलो करना। यही बात यहां पे लिखी है, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट जहां पर प्रोविजन इनकंसिस्टेंट है, प्रोविजन मतलब कंपनीज एक्ट में लिखी हुई बातें, प्रोविजन मतलब कंपनीज एक्ट में जो बातें लिखी हुई है, अगर कंपनीज एक्ट की बातें इनकंसिस्टेंट है इंश्योरेंस एक्ट या इरडा एक्ट से, तो फिर कंपनी तुम कंपनीज एक्ट को भूल जाना उन बातों के लिए, वहां पर तुम इन दोनों को ही फॉलो करना, अदरवाइज तो तुम्हें तीनों एक्ट को फॉलो करते हुए चलना है। सिमिलरली मेरे बच्चा बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जो ऐसी कंपनी है जिसने बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया, नॉर्मली आरबीआई से लाइसेंस लेकर आप बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, तो यहां पर बैंकिंग कंपनियों के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा, लेकिन अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यहां पर 1949 आना चाहिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अलग बात कर रहा है, ठीक है, और कंपनीज एक्ट अलग बात कर रहा है, तो बैंकिंग कंपनी कौन से एक्ट को इज्जत देगी बेटा, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
स्पेशली डिजाइंड है बैंकिंग कंपनीज के लिए, इसीलिए बेटा उनके ऊपर क्या लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को ज्यादा इज्जत देगी। सर नहीं समझा। अरे यार भाई एक और एग्जांपल लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एग्जांपल लेते हैं, और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ये एग्जांपल लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड दोनों ही बैंकिंग बिजनेस में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यस सर, मुझे बताओ क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर कंपनीज एक्ट लगता होगा? द आंसर इज नो। सर क्यों नहीं लगता इस पर कंपनीज एक्ट? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कंपनी नहीं माना जाता, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कौन से एक्ट में बना है? SBI एक्ट में बना है, इसलिए इस पर कंपनीज एक्ट 2013 लगता ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करता हूं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की, अगर वहीं मैं बात करता हूं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की, ठीक है, तो उस केस में बेटा ये कौन से एक्ट के अंदर बनी है? ये बनी है कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है, ये कौन से एक्ट के अंदर? कंपनीज एक्ट। और ये किस बिजनेस में है? बैंकिंग बिजनेस में है। तो ऐसी कंपनियां जो बनी तो कंपनीज एक्ट 2013 या उसके पुराने एक्ट में है और बैंकिंग बिजनेस में चली जाती है, उन्हें कहते हैं बैंकिंग कंपनी। तो इन्हें बेटा कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना होता है और इन्हें बेटा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी फॉलो करना होता है। नॉर्मली इन्हें दोनों फॉलो करने हैं, लेकिन अगर कहीं पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन से, इन दोनों प्रोविजंस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, तो बैंकिंग कंपनी को बोला गया है कि तुम किसको फॉलो कर लेना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को फॉलो कर लेना। रीजन इज कंपनीज एक्ट एक जनरल एक्ट है जो हर तरह की कंपनी के लिए बनाया गया है, बट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्पेशली बैंकिंग कंपनीज के लिए डिसाइंड करा गया है, इसीलिए यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को क्या मिलती है, इज्जत मिलती है। ओके सर, नेक्स्ट आता है बेटा कंपनी इंगेज्ड इन सप्लाई और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपकी कंपनी या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने या तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के अंदर है, तो उस कंपनी के ऊपर भी, उस कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन लागू किए जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी फॉलो करना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को दोनों फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी फॉलो करना है। अगर दोनों में लड़ाई हो गई तो किसको फॉलो करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी के लिए स्पेशली डिजाइंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, तो उस केस के लिए, सिर्फ उस केस के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को फॉलो कर लेना। सर ये लड़ाई होगी, लड़ाई होगी का क्या मतलब है? मान लो एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल, कि ऐसा है नहीं बट एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो कि कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा है कि अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी हो तो तुम्हारे पास मिनिमम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए, बट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट कह रहा है कि अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में हो तो तुम्हें कम से कम अपने बोर्ड में 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे, कम से कम अपने बोर्ड में 3 डायरेक्टर रखने पड़ेंगे। अब इस केस में एक प्राइवेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कौन से को फॉलो करे, मुझे नहीं समझ आता, कौन से को, 2 डायरेक्टर रखूं या 3 डायरेक्टर रखूं? तो लॉ ने कहा भाई कंपनी, क्योंकि तुम एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो तो तुम इलेक्ट्रिसिटी को, कंपनीज एक्ट को बाजू में रख दो और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को इज्जत दो और उसको फॉलो कर लेना, यही बात यहां पे लिखी है। नेक्स्ट है बेटा अदर कंपनी, कोई भी कंपनी जिस पर कंपनीज एक्ट के अलावा कोई और स्पेशल एक्ट भी लगता है उसको भी बेटा क्या फॉलो करना है, उसको भी क्या फॉलो करना है, कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना है, अपना स्पेशल एक्ट भी फॉलो करना है। और अगर उसके कंपनीज एक्ट और स्पेशल एक्ट में लड़ाई हो जाती है तो वो कौन सा एक्ट को इज्जत देगी, कौन से एक्ट को फॉलो करेगी? बेटा स्पेशल एक्ट को फॉलो करेगी। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर
कंपनीज एक्ट 2013 लागू कर सकता है। तो जब मैंने आपको कहा था कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पर कंपनीज एक्ट नहीं लगता क्योंकि वो कंपनी नहीं एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बट मुझे बताओ क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कल को नोटिफिकेशन ले आए ऑफिशियल गैजेट में कि हम एलआईसी के ऊपर कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन लगाना चाहते हैं, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी ये एक्ट को लगा सकती है। ध्यान से देखना, शुरू का पॉइंट भी कंपनी की बात कर रहा था, ये वाला पॉइंट भी कंपनी की बात कर रहा था, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी, ये भी कंपनी, सिर्फ लास्ट पॉइंट है बेटा जो बॉडी कॉर्पोरेट की बात करता है कि बॉडी कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बॉडी कॉर्पोरेट्स के ऊपर कंपनीज एक्ट को लागू करा सकती है, बट ये पावर किसको ऊपर छोड़ दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता क्या है, किसके पास जाता है? बेटा एक्चुअली ना सेंट्रल गवर्नमेंट में मल्टीपल मिनिस्ट्रीज होती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर आता है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमसीए। तो नॉर्मली ये जो पावर्स होती हैं किसके पास होती हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास ये पावर दी हुई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया एप्लीकेबिलिटी का। सेक्शन वन सिर्फ छोटी छोटी बातें बोलता था। शॉर्ट टाइटल क्या था कंपनीज एक्ट का? कंपनीज एक्ट 2013 एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया, कमेंसमेंट डेट नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, उस तारीख से आएगा। मल्टीपल सेक्शन कैन बी नोटिफाइड ऑन मल्टीपल डेट्स पॉसिबल है। और लास्ट एप्लीकेबिलिटी कौन कौन सी कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा बेटा कंपनीज एक्ट 2013? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, कंपनी गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट एंड बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज हाउ यू हैव टू रिमेंबर और ऐसे एग्जाम में जाकर लिखाना। ठीक है, चलिए सर। सर आज ही खत्म कर दोगे क्या सब कुछ? सर सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, आप आज ही सब कुछ खत्म कर देंगे क्या? बेटा तुम कहो तो मैं अभी खत्म कर दूं बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट डेफिनेशन पे, हमने कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली, हमने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ ली, अब हम डेफिनेशन पे जा रहे हैं कंपनी को कंट्रोल कौन करता है उस पर बेस्ड हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे बेटा, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। कितनी पढ़ेंगे? तीन पढ़ेंगे, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए ये डेफिनेशंस क्या है, मैं एक्चुअली मैं पढ़ाई बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट, और उसमें से भी ये वाली डेफिनेशन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में इसका क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में केस स्टडी बनाकर पूछा जाएगा। अब सबसे पहले आते हैं, देखो होल्डिंग सब्सिडियरी जो होती है ना मेरे बच्चा, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी जो होती है वो होती है दो कंपनीज के बीच की रिलेशन। क्या बताती है? दो कंपनीज के बीच की रिलेशन बताती है। ठीक है, यानी सब्सिडियरी कंपनी अगर हम किसी कंपनी को कहते हैं तो हम किसी भी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी का दर्जा तब कहते हैं देते हैं जब उसकी कोई होल्डिंग कंपनी होती है, और किसी भी कंपनी को होल्डिंग कंपनी का दर्जा तब देते हैं जब उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी होती है। सर नहीं समझा, शॉर्ट में हम किसी भी मोहतरमा को अगर मां बुला रहे हैं कि ये मम्मी है या ये मां है, तो क्या इंप्लाइड है कि उसका कोई बच्चा होगा, तभी तो उसे मां का दर्जा दिया गया है। यस और नो? उसका कोई बेटा होगा या उसकी कोई बेटी होगी, तभी आप इसे मां का दर्जा दे रहे हो कि वो देखो मम्मी जा रही है। सेम अगर आप किसी को बोल रहे हो कि बेटा जा रहा है, मतलब उसकी कोई मदर होंगी, है ना? तो इसी तरह से बेटा अगर हम किसी कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी का दर्जा देते हैं, वो हम तभी देते हैं
अगर उसकी रिलेशन किसी दूसरी कंपनी से ऐसी है, उसकी दूसरी कोई कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी। अरे जरा आप तो कंफ्यूज बड़ा करते हो, सुनो 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 सुनो, धीरे धीरे चलेंगे, डोंट वरी। सब्सिडरी कंपनी बनने के दो रास्ते हैं, कितने रास्ते हैं, सब्सिडरी कंपनी बनने के दो मेथड्स हैं। मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू, कितने मेथड्स हैं, मेथड नंबर वन, मेथड नंबर टू, दो मेथड्स हैं मेरे बच्चा सब्सिडरी कंपनी बनने के। मेथड नंबर, दोनों को कंफ्यूज मत करना, मेथड नंबर वन कहता है कि अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है, क्या बोला मैंने, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है। सर पहले तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स, कंपनी में पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर्स, कंपनी को चलाते हैं डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स को मिलकर कहा जाता है, सारे डायरेक्टर को मिलकर क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जैसे इंडिया की क्रिकेट की टीम होती है उसमें इंडिविजुअली होते हैं प्लेयर्स, लेकिन मिलकर क्या कहा जाएगा, इंडियन क्रिकेट टीम, वैसे ही इंडिविजुअली सब लोगों को डायरेक्टर कहा जाता है और मिलाकर क्या कहा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, सो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस चीज को कंट्रोल कर पाती है, तो हम इस कंपनी को बोलेंगे होल्डिंग कंपनी और हम इस कंपनी को बोलेंगे सब्सिडरी कंपनी। सर लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन के कंट्रोल करने का मतलब है कि आप इस कंपनी के मेजॉरिटी मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर रखते हो, या तो आप अपॉइंट करने की पावर रखते हो या आप रिमूव करने की पावर रखते हो, कौन से, मेजॉरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक वन एग्जांपल तब समझेगा, ए लिमिटेड है ये बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड में मेरे बच्चा, बी लिमिटेड में टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, टोटल 10 डायरेक्टर है। ए लिमिटेड के पास इन 10 डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर को अपॉइंट एंड रिमूव, 10 में से 3 डायरेक्टर को अपॉइंट एंड रिमूव करने की पावर है। आप बताओ क्या ए लिमिटेड कंपनी को होल्डिंग कंपनी माना जाएगा या नहीं, द आंसर इज नो। यहां पर क्योंकि मेजॉरिटी वाली बात नहीं आई ना, सो नो होल्डिंग सब्सिडियरी, नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन, नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में मान लीजिए बी लिमिटेड में 10 डायरेक्टर्स हैं, बी लिमिटेड में कितने डायरेक्टर हैं, 10 डायरेक्टर हैं, ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड के पास 5 डायरेक्टर को अपॉइंट एंड रिमूव करने की पावर है, 10 में से 5 डायरेक्टर को अपॉइंट एंड रिमूव। क्या अभी भी ए लिमिटेड के पास मेजॉरिटी डायरेक्टर को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर है, द आंसर इज नो। तो अगेन नो होल्डिंग, नो होल्डिंग, नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन, नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन। लास्ट, बी लिमिटेड में टोटल 10 डायरेक्टर्स हैं, ए लिमिटेड के पास 6 डायरेक्टर को अपॉइंट एंड रिमूव करने की पावर है, क्या इस केस में हम बी लिमिटेड को सब्सिडियरी मान सकते हैं या नहीं मान सकते, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। क्या अब 10 में से 6 मेजॉरिटी होते हैं, द आंसर इज यस। देयरफोर ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी, ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है बी लिमिटेड की और बी लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी, इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। और कौन से मेथड की वजह से, बिकॉज ए लिमिटेड, बिकॉज ए लिमिटेड कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड, बिकॉज ए लिमिटेड कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बी लिमिटेड, इसीलिए मेरे बच्चा बी लिमिटेड जो है वो क्या बन गई, सब्सिडियरी कंपनी बन गई, और ए लिमिटेड क्या बन गई, होल्डिंग कंपनी बन गई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस और नो? यस और नो? यस सर, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड नंबर वन, सब्सिडियरी कंपनी बनने का मेथड नंबर टू क्या है सर? मेथड नंबर टू है मोर देन अगर एक कंपनी, ध्यान से सुनना, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी की मोर देन 50% वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर, वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल करती है, तो यह कंपनी बन जाएगी सब्सिडियरी कंपनी और यह कंपनी बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। अगर यह कंपनी दूसरी कंपनी का मोर देन 50% वोटिंग पावर होल्ड करती है, सर एग्जांपल लीजिए, बिल्कुल लेते हैं, आइए, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में 60% इक्विटी शेयर्स होल्ड कर रही है, आप मुझे बताइए क्या ये कंपनी में होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन बन गया या नहीं बन गया? क्या मोर देन 50% वोटिंग पावर है? द आंसर इज यस। देयरफोर ए लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल में ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 50% इक्विटी शेयर, कितने परसेंट, 50% इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है, आप मुझे बताओ इस केस में क्या होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मोर देन 50% होना चाहिए, सो नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन इनके बीच में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन नहीं है। लास्ट केस, बहुत प्यारा केस है, ए लिमिटेड 10% इक्विटी होल्ड करती है और 60% प्रेफरेंस शेयर्स होल्ड करती है बी लिमिटेड में, आप बताइए क्या ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है या नहीं है? होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है या नहीं है? तो यहां पर बेटा आप एक सिंपल आंसर करेंगे, क्या सिंपल आंसर करेंगे, नॉर्मली अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यह मानेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग पावर नहीं है, और अगर प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग पावर नहीं है तो हम होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन निकालने के लिए सिर्फ कौन सा कंसीडर करेंगे, इक्विटी शेयर्स को कंसीडर करेंगे, और क्योंकि यहां पर ए लिमिटेड के पास बी लिमिटेड के सिर्फ और सिर्फ 10% इक्विटी शेयर है, जबकि सब्सिडियरी बनाने के लिए मोर देन 50% चाहिए होते हैं, तो इस केस में क्या होगी, अगेन नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन, नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन, नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन। चलो एक लास्ट एक और पूछ लेते हैं, बताना मुझे, ठीक है। मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 50% होल्ड करती है, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 50% होल्ड करती है, क्या इनमें होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है या नहीं है? क्या इनमें होल्डिंग सब्सिडियरी का रिलेशन है या नहीं है? गलती नहीं करनी है भैया, मोर देन, कई बच्चे ना मोर देन 50% का मतलब पता नहीं क्यों 51 ले लेते हैं, बेटा मोर देन 50, क्या ये मोर देन 50 है?
द आंसर इज येस। क्या ये मोर देन 50 है? यस दिस इज मोर देन 50। तो अगर ये मोर देन 50 है तो बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ ए लिमिटेड। प्लीज इस बात का ख्याल रखेंगे, ठीक है। मेथड टू में ही मैं थोड़ा सा आगे और जाना चाहता हूं, मेथड टू में ही मैं थोड़ा सा आगे और जाना चाहता हूं। यहां पर ये जो मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर है ना, ये हो सकता है आप डायरेक्टली होल्ड करते हो सकता है आप डायरेक्टली होल्ड करते हो सकता है आप थ्रू अदर सब्सिडियरी होल्ड करते हो। अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल दिए थे वो डायरेक्टली हम होल्ड कर रहे थे, अब मैं आपको बता रहा हूं थ्रू अदर सब्सिडियरी। सर एग्जांपल्स ले लो, बिल्कुल ले रहा हूं बेटा, डोंट वरी। फिर उसके बाद एक लास्ट खुद का भी एग्जांपल लिया जाएगा। देखो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 51% होल्ड करती है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में क्या होल्ड करती है? 51% होल्ड करती है। बताओ इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? सर ए लिमिटेड को माना जाएगा, यहां पे लिख दूं क्या, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है ऑफ बी लिमिटेड, बी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है ऑफ सब्सिडियरी कंपनी है ऑफ ए लिमिटेड। यहां तक ठीक है, ओके सर। अब बी लिमिटेड और सी लिमिटेड में रिलेशन बताओ। बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के अंदर क्या रिलेशन है? क्या बी लिमिटेड सी लिमिटेड में मोर देन 50% होल्ड कर रही है? द आंसर इज यस। तो यहां पर बेटा बी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है ऑफ सी लिमिटेड और सी लिमिटेड सब्सिडियरी कंपनी है ऑफ बी लिमिटेड। कोई दिक्कत? दोनों अभी तक हमने डायरेक्ट देखे। अब क्वेश्चन आता है सर ए लिमिटेड और सी लिमिटेड में क्या रिलेशन होगा? इसको बेटा हम चैन होल्डिंग में बोलते हैं। बताओ ए लिमिटेड सी लिमिटेड में डायरेक्टली कितना होल्ड करता है? ए लिमिटेड सी लिमिटेड में डायरेक्टली कितना होल्ड करता है? सर डायरेक्टली होल्ड करता है 0%, क्योंकि कुछ नहीं बताया मतलब 0%। और इनडायरेक्टली यानी अपनी सब्सिडरी, डायरेक्टली प्लस थ्रू सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड करता है? 62%। तो टोटल ए लिमिटेड डायरेक्टली प्लस अपनी सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड करता है? 62% होल्ड करता है। कितना होल्ड करता है? 62% होल्ड करता है। और इसीलिए क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी बन जाएगी? यस बेटा, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ए लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है ऑफ सी लिमिटेड और सी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड, ठीक है। तो सी लिमिटेड की बेटा कितनी होल्डिंग हो गई? दो होल्डिंग हो गई। बी लिमिटेड भी उसकी होल्डिंग है और ए लिमिटेड भी उसकी होल्डिंग है, बी लिमिटेड भी उसकी होल्डिंग है और ए लिमिटेड भी उसकी होल्डिंग है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि क्या एक कंपनी की एक से ज्यादा होल्डिंग हो सकती है? आपके सामने एग्जांपल है, हो सकती है। क्या एक कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरी हो सकती है? बिल्कुल, आपके सामने एग्जांपल है ए लिमिटेड की, बी लिमिटेड भी सब्सिडरी है और सी लिमिटेड भी सब्सिडरी है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ये आप पहले ट्राई करो, मैं आपको टाइम देता हूं। ए बी में रिलेशन बताओ, बी सी में रिलेशन बताओ और ए बी में, ए सी में, ए बी में, बी सी में और ए सी में, इन तीनों में रिलेशन बताओ फटाफट। 2 मिनट है आपके पास, जल्दी बताएंगे।
चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। सिंपल है यार, देखो ए लिमिटेड बी लिमिटेड में कितना होल्ड करती है, 51% यानी मोर देन 50%। तो मैं कह सकता हूं ए लिमिटेड क्या है, होल्डिंग कंपनी है किसकी, ऑफ बी लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या है, सब्सिडरी कंपनी है ऑफ ए लिमिटेड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बी लिमिटेड सी लिमिटेड में कितना होल्ड करती है, 22%। क्या ये मोर देन 50% है, नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, नो होल्डिंग, नो होल्डिंग सब्सिडरी, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। कोई भी होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन नहीं है। लेकिन जब आती है ए लिमिटेड और सी लिमिटेड की बात, तो ए लिमिटेड डायरेक्टली कितना होल्ड करता है, 40%। ए लिमिटेड डायरेक्टली 40% होल्ड करता है, प्लस 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 अपनी सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड करता है, 22% डायरेक्टली और अपनी सब्सिडरी, यानी टोटल कितना होल्ड करता है, 62%। ए लिमिटेड सी लिमिटेड में डायरेक्टली प्लस सब्सिडरी के थ्रू मिलाकर 62% होल्ड करती है। क्या ये मोर देन 50% है, यस सर। तो इस केस में बेटा ए लिमिटेड होल्ड को बन गई ऑफ सी लिमिटेड, बट सी लिमिटेड जो है वो क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, क्लियर है। लास्ट एग्जांपल बेटा उससे भी भयंकर बनाया गया है, बड़ा सोच के बनाया गया है। ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में क्या रिलेशन है, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में क्या रिलेशन है, सर मोर देन 50% नहीं है तो क्या होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन है, द आंसर इज नो। तो लिख दूंगा, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन ए लिमिटेड। दिख नहीं रहा है क्या, मैं ज्यादा आगे, रुक जाओ, अब देखो, ठीक है, आई थिंक अब दिख रहे होगा, यस सर। नो होल्डिंग रिलेशन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। बी लिमिटेड और सी लिमिटेड में क्या मोर देन 50% हो रहा है, द आंसर इज नो। अगेन, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन, नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। लास्ट मेरे बच्चा, लास्ट ए लिमिटेड और सी लिमिटेड में ए लिमिटेड डायरेक्टली कितना होल्ड करती है, बताओ जरा। सर डायरेक्टली होल्ड करती है 40%, प्लस थ्रू सब्सिडरी कितना होल्ड करती है। अब यहीं पर बेटा बड़े सारे डाउट इंजन में डाउट आते हैं, मैं यहां पर 22% नहीं लेता। बच्चा कहता है सर आपने इस एग्जांपल में तो 22% यहां पर लिया था, बट इस एग्जांपल में यहां पर आपने 0% लिया, क्यों बेटा। सब्सिडरी के थ्रू कितना होल्ड कर रही है ए लिमिटेड, बी लिमिटेड क्या ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, नहीं है ना। तो यानी ए लिमिटेड अपनी सब्सिडरी के थ्रू कुछ भी होल्ड नहीं कर रही। इस एग्जांपल में बी लिमिटेड जो थी वो ए लिमिटेड की सब्सिडरी थी, इसीलिए ये 22% काउंट किया था, और यहां पर यही रीजन है कि 22% काउंट नहीं किया। तो इस केस में मेरे बच्चा क्या आंसर होगा, नो। टोटल मिलाकर कितना आएगा, 40% ही आएगा, 40% प्लस 0, कैलसी पे करके देख लो लगे तो, ठीक है। तो यहां पर मेरे बच्चा नो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशन बिटवीन ए लिमिटेड एंड सी लिमिटेड। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर।
एक बारी फटाफट से खुद से सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लो, आपको एकदम समझ आ जाएगा। रीड कर लो फटाफट, दोनों मेथड यहां पर लिखे हुए हैं, दोनों मेथड आपको पढ़ के समझ आ जाएंगे। नीचे की जो एक्सप्लेनेशन लिखी है एग्जाम में, बस आपको इतना ही लिखना है जितना यहां पर दिया हुआ है, आप जो नोट्स में लिखोगे वो वाला। पढ़ लिया सर? पढ़ ही लिया, कुछ नहीं समझ आया। अरे भाई ऐसा मत कह यार, देख सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है, सब्सिडरी पहले जो चेक किया जाता है वो दूसरी कंपनी की रिलेशन में चेक किया जाता है कि तुम एक सब्सिडरी हो या नहीं हो, ये चेक किया जाता है दूसरी कंपनी की रिलेशन में। ठीक है, ओके सर। सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसमें मेथड वन बताया कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर कंट्रोल करती है कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसका मतलब नीचे दिया हुआ है, इसका मतलब है इट कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। यानी अगर होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना या रिमूव करने की पावर रखती है तो हम मान लेंगे कि वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कॉम्पोजिशन को कंट्रोल कर रही है। दूसरा आता है सेकंड मेथड, दैट इज इट एक्सरसाइज कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ, इट एक्सरसाइज कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। मोर देन वन हाफ का मतलब क्या होता है बेटा? 50%, यानी मोर देन 50% वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन यानी डायरेक्टली और टूगेदर विद इट्स सब्सिडरी कंपनीज, यानी डायरेक्टली भी इंक्लूड करना है और सब्सिडरी कंपनी वाला भी इंक्लूड करना है, उसकी बात यहां पर हो रही है। ये हो गई हमारी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है बेटा होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन दुनिया की सबसे सिंपल डेफिनेशन है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी दूसरी कंपनीज सब्सिडरी कंपनीज होती है। होल्डिंग कंपनी मींस अ कंपनी ऑफ विच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। आपको होल्डिंग कंपनी तब कहा जाएगा जब आपकी एक या एक से ज्यादा सब्सिडरी कंपनी होंगी, तो हम आपको होल्डिंग कंपनी का दर्जा दे देंगे। क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर, क्लियर हो गया। यहां पर हमने सारे एग्जांपल्स कर लिए। लास्ट लास्ट डेफिनेशन पे चलते हैं भाई, आज की लास्ट डेफिनेशन है मेरे बच्चा एसोसिएट कंपनी की। कौन सी डेफिनेशन है? एसोसिएट कंपनी की। एसोसिएट कंपनी मतलब क्या होता है? प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुन लो ना यार, प्लीज प्लीज सुन लो। यस सर, सुना दो सर। एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है अगर एक कंपनी दूसरी, ये कंपनी वन है ये कंपनी टू है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज करती है। क्या एक्सरसाइज करती है? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस। तो हम ये कहते हैं कि कंपनी टू इज एसोसिएट कंपनी, इज एसोसिएट कंपनी ऑफ कंपनी वन। अगर कंपनी वन कंपनी टू में सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, सर अब ये सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस क्या बला है बेटा? सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है यहां पर एटलीस्ट मिनिमम, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, यानी मिनिमम 20% टोटल वोटिंग पावर अगर इस कंपनी के पास है तो हम कहेंगे कंपनी वन जो कंपनी टू है वो एसोसिएट कंपनी है कंपनी वन की। लेकिन ध्यान रखना,
ध्यान रखना, चलो आगे बताऊंगा ध्यान रखना वाली बात। नेक्स्ट आता है लेकिन एसोसिएट कंपनी में, एसोसिएट कंपनी में सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड नहीं होती, यानी या तो आपकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी होगी या आपकी कंपनी एसोसिएट कंपनी होगी। सर कुछ एग्जांपल ले लो ना। बिल्कुल लेता हूं, देखो सिंपल से एग्जांपल लेता हूं, सिंपल से भी सिंपल। मान लीजिए ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 10% होल्ड करती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 50% होल्ड करती है ए लिमिटेड सी लिमिटेड, 51% 49% बी लिमिटेड। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में कितना होल्ड करती है, 10% होल्ड करती है। क्या यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? क्या अगर 10% वोटिंग पावर होल्ड करती है तो क्या यहां पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है? नहीं है। तो क्या यहां पर एसोसिएट कंपनी है? नो एसोसिएट कंपनी रिलेशनशिप, नो एसोसिएट कंपनी। या आप ये लिख सकते हो बी लिमिटेड इज नॉट एसोसिएट कंपनी ऑफ, बी लिमिटेड इज नॉट एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 50% होल्ड करती है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में कितना होल्ड करती है, 50% होल्ड करती है। क्या ये मोर देन या मिनिमम 20% उससे ज्यादा है? यस सर। तो क्योंकि 50% है तो हम इसे क्या कहेंगे कि बी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड जो है वो ए लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी क्योंकि ए लिमिटेड का सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है बी लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल पे जाने से पहले मैं एक और एग्जांपल ले लेना चाहता हूं, फिर जाऊंगा मैं। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% होल्ड करती है, आप बताइए क्या बी लिमिटेड एसोसिएट कंपनी है या नहीं है? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मिनिमम 20% होना चाहिए, यहां पर तो 60% है, तो मतलब बी लिमिटेड क्या हो गई? एसोसिएट कंपनी हो गई। लेकिन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपकी कंपनी सब्सिडरी कंपनी है तो फिर आप उसे एसोसिएट कंपनी मत कहना। क्या यहां पर सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बन गया क्या? और अगर एक बारी सब्सिडरी कंपनी बन गई फिर एसोसिएट कंपनी का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर यहां पर आएगा क्या? बी लिमिटेड इज सब्सिडरी, सब्सी अब जगह ही नहीं है, नीचे लिख लेता हूं, कोई बात नहीं। बी लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। तो यहां पर बेटा एसोसिएट नहीं मानेंगे, यानी 20% से लेकर 50% तक, 20% से लेकर 50% तक क्या माना जाएगा, 20% से 50% क्या माना जाएगा? एसोसिएट कंपनी। जैसे ही 50% से ऊपर होगा क्या माना जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। वेरी गुड, वेरी गुड। इस एग्जांपल में मजा आएगा, इसमें आपके कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 51, सी लिमिटेड बी लिमिटेड में 49, टोटल 100 हो गया कि नहीं? यस टोटल हो गया। ऐसी कंपनी को पहले बुलाया क्या जाता है बेटा? ऐसी कंपनी को बोला जाता है ज्वाइंट वेंचर कंपनी। ऐसी कंपनी को क्या बोला जाता है? जिसमें लोग मिलकर धंधा कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो ऐसी कंपनी को हम ज्वाइंट वेंचर कंपनी बुलाया जाता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, ज्वाइंट वेंचर मतलब मिलकर ये लोग धंधा कर रहे हैं। ठीक है, ओके। पहला मेरा क्वेश्चन है ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड? जल्दी से बता दो,
ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में सर मोर देन 50% है, तो एसोसिएट कंपनी कहूं या सब्सिडियरी कंपनी कहूं, एसोसिएट कंपनी कहूं या सब्सिडियरी कंपनी कहूं, सर आपको इसे कहना है, आपको इसे कहना है क्योंकि मोर देन 50% है, सो बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी, बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी कंपनी, बी लिमिटेड इज सब्सिडियरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। बी लिमिटेड क्या है, एक सब्सिडियरी कंपनी है ए लिमिटेड की। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आता है, सी लिमिटेड और बी लिमिटेड में क्या रिलेशन है, क्या मोर देन 20% है, हां, क्या लेकिन सब्सिडियरी बन रही है, द आंसर इज नो। तो इस केस में बताओ बी लिमिटेड और सी लिमिटेड में क्या रिलेशन है, सर बी लिमिटेड इज एसोसिएट, बी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ सी लिमिटेड, बी लिमिटेड इज एसोसिएट कंपनी ऑफ सी लिमिटेड, बी लिमिटेड एक एसोसिएट कंपनी है सी लिमिटेड की। तो एक्चुअली में बी लिमिटेड सब्सिडरी है, तो हम जो रिलेशन निकाल रहे हैं ना, बी लिमिटेड की रिलेशन ए से निकाली तो सब्सिडरी कंपनी की रिलेशन निकल कर आई, और जब बी लिमिटेड की रिलेशन सी लिमिटेड से निकाली तो एसोसिएट कंपनी की रिलेशन निकल कर आई। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर, समझ गए। तो फटाफट से इन तीनों में मुझे केसेस में बता दो कौन सी रिलेशन है, फटाफट, होल्डिंग सब्सिडरी है, एसोसिएट है या नो रिलेशन है, तीनों एग्जांपल देख लो फटाफट, तीनों एग्जांपल देख लो दोस्त, देख लो, ओहो देख लो ना, देख लो ना, देख लो ना। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। यहां पर अगर आप ध्यान देते हो, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 60% होल्ड करती है तो क्या बन जाएगी, सब्सिडियरी। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 50% होल्ड करती है तो क्या बन जाएगी, एसोसिएट। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 10% प्रेफरेंस तो देखना ही नहीं है, 10% इक्विटी करती है, सो नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप, नो होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशनशिप, नो एसोसिएट कंपनी रिलेशनशिप, नो एसोसिएट कंपनी रिलेशनशिप। दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 20% होल्डिंग रखती है, 20% होल्डिंग रखती है, ये आंसर दे दो। एक ये सोचो आप, तब तक मैं एक और एग्जांपल बनाता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जियो लिमिटेड में होल्ड करती है 10%, कितना होल्ड करती है, 10% होल्ड करती है, और मुकेश अंबानी, जी हां मुकेश अंबानी ने ट्रस्ट करके, किस पर ट्रस्ट करके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ट्रस्ट करके, इस जब हम ट्रस्ट करके करते हैं तो उसे बोलते हैं फिड्यूशरी कैपेसिटी, क्या बोला जाता है, फिड्यूशरी कैपेसिटी में जियो लिमिटेड के 15%, जियो लिमिटेड के 15% शेयर जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज को दे दिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास टोटल कितने शेयर हैं बेटा, 25% शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं टोटल रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास, 10% खुद से होल्ड कर रही है और 15% इसलिए होल्ड कर रही है क्योंकि मुकेश अंबानी ने उन पर भरोसा करके अपने नाम पर ना रखकर रिलायंस के नाम पर रखे हुए हैं फिड्यूशरी कैपेसिटी में। इस क्वेश्चन में अब दोनों एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड में डायरेक्टली 20% होल्ड करती है क्या होगी, मिनिमम 20% बोला है तो एग्जैक्ट 20% है तो भी बी लिमिटेड क्या बन जाएगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो लिमिटेड के केस में ध्यान रखना, एक नोटिफिकेशन आया था एमसीए का कि फिड्यूशरी कैपेसिटी में आप जो शेयर होल्ड करते हो उसे 20% की काउंटिंग में काउंट नहीं किया जाएगा, और इसीलिए मेरे बच्चा, इसीलिए क्योंकि फिड्यूशरी कैपेसिटी वालों को इग्नोर करना होता है
फिड्यूशरी कैपेसिटी वाले हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पर, बट बिलोंग किसको करते हैं? मुकेश अंबानी जी को बिलोंग करते हैं, इसीलिए उन्हें काउंट नहीं किया जाएगा। और देयरफोर सिंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पर क्वेश्चन बन सकता है बहुत अच्छा, ठीक है, सिंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड होल्ड्स ओनली 10% ऑफ जियो लिमिटेड, देयरफोर जियो लिमिटेड विल नॉट बी कंसीडर्ड एसोसिएट कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यही बात यहां पर लिखी है, मैं फटाफट से रीड कर देता हूं। देखो, एसोसिएट कंपनी का मतलब होता है, एसोसिएट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का क्या है, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस है, बट वो एक सब्सिडियरी कंपनी नहीं है। क्योंकि अगर आप सब्सिडियरी कंपनी हो तो फिर हम आपको एसोसिएट कंपनी नहीं मानेंगे, एंड इट इंक्लूड्स अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी। अगर आप एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो तो ज्वाइंट वेंचर कंपनी एसोसिएट कंपनी बन सकती है। सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब होता है मिनिमम 20% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, या अगर आपके पास बिजनेस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने की पावर है बिकॉज ऑफ एनी एग्रीमेंट तो भी। और ध्यान रखिएगा, यह क्लैरिफिकेशन आया था कि फिड्यूशरी कैपेसिटी शॉल नॉट बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन ऑफ एसोसिएट कंपनी। यानी फिड्यूशरी कंपनी की जो फिड्यूशरी कैपेसिटी में अगर आप शेयर होल्ड करते हो तो वो काउंटिंग में काउंट ही नहीं किए जाएंगे, भले ही आपके नाम पर है, बट आपके नाम पर तो है बट बिलोंग किसी और को कर रहे हैं, आप किसी और के बिहाफ पर होल्ड कर रहे हो, इसीलिए इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है आज बहुत करा दिया भाई मैंने पहले ही, है ना। चलो होमवर्क लिख लो। सर होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है, सबसे पहले आज के लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, नोटबुक लेनी है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। सर कहां से बनाने हैं? हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको ड्राइव लिंक पर मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? ड्राइव लिंक पर मिल जाएगी। उसमें पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है, धीरे धीरे कॉपी पेस्ट करते जाना, करने को आप एक दिन में सारा कर लोगे मजा नहीं आएगा। हैंड रिटन नोट्स में से जो जो टॉपिक आज हुए हैं, एप्लीकेबिलिटी का टॉपिक आज हुआ है, एप्लीकेबिलिटी, जी हां वो, दूसरा एप्लीकेबिलिटी के बाद हमने कौन सा किया, डेफिनेशंस, कौन कौन सी डेफिनेशन करी हमने, कंपनी की डेफिनेशन करी हमने, ये आप नोट डाउन करेंगे नोट्स में से, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन करी ये आप नोट डाउन करेंगे, होल्डिंग कंपनी की ये आप नोट डाउन करेंगे, सब्सिडरी कंपनी की ये आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी, उसके बाद एसोसिएट कंपनी, ये सारी डेफिनेशंस मेरे बच्चा, ये सारी डेफिनेशंस आप नोट डाउन करेंगे। ये आपका हो गया हैंड रिटन नोट्स का होमवर्क। सेकेंड आते हैं क्वेश्चन आंसर बुक से। अगर आपने पीडब्ल्यू के स्टोर से ऑर्डर करी होगी तो आपके पास क्वेश्चन आंसर बुक आ गई होगी, अगर आपने नहीं करी होगी तो आप लिंक में से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो मंगा भी सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, चाहे तो आप सॉफ्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर बंद हो गया क्या? क्वेश्चन आंसर देना था बट बुक नहीं ओपनड है, इसमें कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन बैंक, तो बेटा मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रुको, इसमें आपका होमवर्क रहेगा आज,
क्वेश्चन नंबर सेवंथ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ। चलिए तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर सेवंथ आपका होमवर्क रहेगा। ओके ओके सर, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। चलिए यहां पर मैं क्लास आज की खत्म करता हूं।